सुबह का समय है और सभी तैयार होकर बैठे हुए हैं। मम्मी, मायरा तैयार होकर फिर से सो गई। चलिए हम लोग मायरा को घर पर ही छोड़कर मेले में चलते हैं। अरे तुम कैसे भाई हो हर्ष, अपनी बहन को ही घर पर छोड़कर जाने की बातें कर रहे हो। हम लोग जाएंगे तो साथ में ही चलेंगे, ऐसे मायरा को घर पर अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन मम्मी, मायरा तो जगने का नाम ही नहीं ले रही है, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। अच्छा रुको हर्ष, मैं अभी मायरा को जगाती हूँ। मायरा चलो जल्दी से उठ जाओ, देखो हम लोग मेले जा रहे हैं। चलो अब जल्दी जग जाओ, अच्छे बच्चे इतनी देर तक नहीं सोया करते हैं। मम्मी थोड़ी देर और सोने दीजिए ना, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है इसलिए उठने का मन नहीं कर रहा। मम्मी पेट में दर्द? अच्छा रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। लगता है मायरा को पानी पीने की जरूरत है। मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। गीता, मटकी में ताजा पानी रखा हुआ है, उसमें से ही लेकर आना। हाँ मम्मी, मैं मटकी से ही पानी ले रही हूँ। चलो मैंने पानी ले लिया, अब जल्दी से मायरा को दे देती हूँ। ये लो मायरा, पानी पी लो। अब कैसा लग रहा है मायरा? मम्मी अब बिल्कुल ठीक लग रहा है, चलिए हम लोग मेला चलते हैं। अरे मायरा, तुम्हारा पेट दर्द इतना जल्दी ठीक हो गया? हाँ नानी माँ, ठीक हो गया, अब चलिए मेला चलते हैं। आ जाओ मायरा हर्ष, तुम दोनों को बाइक से लेकर चलता हूँ। पापा आज मैं पीछे बैठूंगा, आप हमेशा मुझे आगे बैठा देते हैं। ठीक है आ जाओ, तुम पीछे ही बैठना, आज मायरा आगे बैठ जाएगी। हाँ पापा, आज मैं आगे ही बैठूंगी, पीछे मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। पापा चलिए मैं बैठ गया। हर्ष कैसे बैठ गए हो, सीधा बैठो वरना तुम गिर जाओगे। ठीक है पापा, मैं अच्छे से बैठ जाता हूँ। चलिए पापा, अब मैं अच्छे से बैठ गया हूँ। चलिए मम्मी, अब हम लोग भी स्कूटी से चलते हैं। तीनों लोग स्कूटी से मेला जा रहे हैं। गीता, हम तीनों इस स्कूटी पर नहीं जा पाएंगे, बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं उतर जाती हूँ और मैं रिक्शे से ही आ जाऊंगी। तुम और राधा चले जाओ स्कूटी से। नहीं मम्मी, आप अकेले नहीं जाएंगी, हम लोग भी उतर जाते हैं और साथ में ही चलते हैं, वैसे भी मेला ज्यादा दूर नहीं है। स्कूटी को यहीं पर खड़ी कर देती हूँ। चलो हो गया, चलिए मम्मी चलते हैं, मायरा हर्ष तो मेले में पहुँच भी गए होंगे। हाँ गीता चलो। मैं तो मेले में बहुत कुछ खरीदूंगी मीना दीदी। हाँ राधा खरीद लेना, पहले चलो। इधर मायरा हर्ष मेले में आ गए हैं। हर्ष तुम क्यों डर रहे हो, फिसलो ना, कुछ नहीं होगा। नहीं पापा मैं नहीं फिसलूंगा, कहीं मैं गिर गया तो मुझे चोट लग जाएगी। भैया आप कितना डरते हैं, आप तो मुझसे भी ज्यादा डरपोक है। अच्छा मायरा हिम्मत है तो तू पहले फिसल के दिखा, उसके बाद ही मैं फिसलूंगा। अच्छा ठीक है भैया, रुकिए मैं अभी आती हूँ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए भैया मैं आ गई, अब जल्दी से फिसल कर दिखाती हूँ। ये कितना अच्छा लग रहा है। भैया आप भी फिसलिए ना, बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, मुझे तो कहीं पर चोट भी नहीं लगी है। अरे तुम पहले बच्चे हो जो फिसलने से डर रहे हो, बाकी बच्चों को तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, वो सब खूब मस्ती करते हैं। फिसलो ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं फिसल ही लेता हूँ, नहीं तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। अच्छा मायरा मैं भी फिसलता हूँ। ये मुझे भी अच्छा लगा, कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बेकार में ही डर रहा था। चल मायरा हम दोनों साथ में फिसलते हैं। हाँ भैया चलिए। ये इधर रवि और नैन्सी बैलगाड़ी से आ रहे हैं। अरे वाह भैया देखिए, यहाँ पर पानी पूरी भी है, चलिए पानी पूरी खाते हैं। नहीं नैन्सी, पहले झूला झूलते हैं उसके बाद खाएंगे। ठीक है भैया तो चलिए। आखिरकार हम लोग मेले में आ गए।
हाँ गीता, हम लोग मेले में तो आ गए हैं, लेकिन मेले जैसा नहीं लग रहा है। हाँ दीदी, मैंने तो सोचा था यहाँ पर बहुत कुछ होगा। अच्छा कोई नहीं, चलिए आगे चलकर देखते हैं मायरा हर्ष क्या कर रहे हैं। नैन्सी चलो अब झूला झूलते हैं, पहले बैलगाड़ी को उधर रख देता हूँ। भैया मुझे चौमिन खानी है, चलिए ना चलकर खाते हैं। चलो नैन्सी पहले झूला झूल लेते हैं, उसके बाद कुछ खाएंगे। अरे वो रहे मायरा हर्ष। हाँ गीता, चलो हम लोग यहीं पर बैठकर देखते हैं, अभी बच्चे झूला झूलने जा रहे हैं। यहीं पर बैठ जाते हैं, आइए मम्मी। हाँ गीता आ रहे हैं। नैन्सी पहले तुम बैठ जाओ, उसके बाद मैं बैठूंगा। नैन्सी अच्छे से बैठ गई हो ना? हाँ भैया मैं अच्छे से बैठ गई हूँ। मायरा हर्ष, तुम लोग झूला नहीं झूलोगे क्या? नहीं मम्मी, हम लोग झूला झूलेंगे। चलिए हर्ष भैया, हम लोग झूला झूलते हैं। अरे वाह, झूला स्टार्ट हो गया। हाँ मायरा बहुत ही अच्छा लग रहा है। मन कर रहा है ऐसे ही झूलते रहूं। मायरा झूला जोर से पकड़ लेना, नहीं तो गिर जाओगी। हाँ मम्मी, मैं बहुत जोर से पकड़ ली हूँ। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। हर्ष भैया आपको कैसा लग रहा है? मायरा मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं गिर जाऊंगा, कुछ कर नैन्सी। भैया कुछ नहीं होगा, मत डरिए। बहुत तेज हो गई। आंटी झूला रोक दीजिए। हाँ बच्चों मैं अभी रोक देती हूँ। आओ बच्चों, तुम सभी को नीचे उतार देती हूँ। हाँ आंटी। मम्मी मुझे चक्कर आ रहे हैं। मायरा झूले पर से उतरी हो ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। अच्छा थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। हाँ रवि, मैं तो झूले पर ना ही हंस पा रहा था और ना ही रो पा रहा था। मुझे अजीब घुटन जैसा हो रहा था, फिर भी अच्छा ही लगा। चलो हम लोग चलकर कुछ खा लेते हैं, बहुत भूख लग गई है। हाँ चलिए सभी लोग जल्दी कुछ खा लेते हैं, उसके बाद ही घर चलेंगे। मम्मी मैं तो चौमिन खाऊंगी। हाँ मायरा चलो, मैं तुम्हें चौमिन ही खिला दूंगी। मैं तो पास्ता खाने वाली हूँ, इधर सभी खाने बैठ भी गए हैं। अरे वाह, ये पास्ता दिखने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है। अब मैं जल्दी जल्दी खा लेती हूँ, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। नैन्सी तुम खाओ ना, बैठी क्यों हो? तुम्हें तो बहुत जोरों की भूख लगी थी ना। हाँ रवि भैया, मैं खा रही हूँ ना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।